आज हम बनाएंगे बटर चिकन। बटर चिकन बिल्कुल वैसे ही जैसे कि रेस्टोरेंट्स में बनता है। आप ही लोगों की रिक्वेस्ट पर, आप लोगों के लिए आज मैं बटर चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही रिच, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही क्रीमी आज हमारा बटर चिकन तैयार होगा। इसके लिए हम सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे। इसके लिए दही चाहिए हमें आधा कप भर के, अदरक और लहसुन का पेस्ट हमें चाहिए 1 टेबल स्पून यानी कि 1 खाने का चम्मच, लेमन जूस हमें चाहिए आधा यानी कि 1 बड़ा लेमन मैंने लिया है जिसका आधा करके मैंने इसमें शामिल कर लिया है, तकरीबन 1 टेबल स्पून बनेगा। नमक हसबे जायका हम ऐड करेंगे, मैं यहाँ पे 1.5 टीस्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। सुर्ख मिर्च का पाउडर मैं यहाँ पे 1.5 खाने का चम्मच यूज़ करी हूँ। अगर आपको कम मिर्चें पसंद हो तो आप कम भी कर सकती हैं। भुना हुआ और कुटा हुआ जीरा है, ये तकरीबन हम इसमें डालेंगे 1.5 चाय का चम्मच। ये फूड कलर है, ये मैं इसमें चुटकी भर शामिल करी हूँ इसे तंदूरी कलर देने के लिए। ऑरेंज कलर का फूड कलर है, पिघला हुआ मक्खन है, ये हम इसमें डालेंगे 2 खाने के चम्मच भर के। इसके बाद हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें चिकन ऐड कर रहे हैं। मैं यहाँ पे बोनलेस चिकन ले रही हूँ, तकरीबन 1 केजी, जिसके मैंने इस तरह करके बड़े बड़े पीसेस कर लिए हैं। अगर आप चाहें तो आप हड्डियों वाला भी ले सकती हैं, बस आप इसके अपने पसंद के हिसाब से छोटे या बड़े पीसेस कर लें। मैं यहाँ पे थोड़े से बड़े इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैं इसे ग्रिल कर लेने के बाद बीच में से कट करूँगी। अगर आप चाहें तो आप इसे तंदूर में भी बना सकती हैं। इसके 2 से 3 ऑप्शंस हैं जो मैं आपको दूंगी। अच्छे से हम चिकन को मसाले से कोट करेंगे। और अगर आपके पास बोनलेस पीसेस थाइस वाले हों तो बहुत ही अच्छा होगा, थाइस के पीसेस जो हैं वो बहुत ही जूसी बनेंगे इसमें। चिकन को हमने मसाले से अच्छे से कोट कर लिया है, अब हम इसे मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे कम से कम 2 घंटे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना इसे छोड़ सकती हैं तो आप इतना ही इसे मैरिनेशन के लिए छोड़ दें। और इसके बाद हम इसे ग्रिल करेंगे। ग्रिल करने के लिए आप इसे तंदूर में भी बना सकती हैं, मैं यहाँ पे इसे ओवन में ग्रिल करूँगी। एक ओवन का रैक लेंगे और इसमें हम चिकन के पीसीज ऐड करेंगे फॉइल लगाकर, और इसे हम बेक करेंगे तकरीबन 250 डिग्री सेल्सियस पर, 250 डिग्री सेल्सियस पर हम इसे 20 से 25 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऑयल डाल रही हूँ, चाहे तो आप घी भी ऐड कर सकती हैं। दूसरा तरीका ये है कि सिंपली आप इस तरह करके कोई कढ़ाई ले लें या फिर कोई नॉन स्टिक फ्राइंग पैन ले लें, थोड़ा सा उसमें ऑयल गर्म करें। 1 टेबल स्पून तक हम इसमें ऑयल या घी गरम करेंगे और इसमें चिकन के पीसेस डालकर इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। दही का पानी खुश्क होना चाहिए, जो सारा मसाला है वो इसके ऊपर अच्छे से कोट होना चाहिए। ढककर हम इसे कुक करेंगे और जब तक कि ये सारा मसाला जज्ब ना कर ले, इसके ऊपर अच्छे से लग ना जाए, तब तक हम इसे कुक करेंगे। और इसके बाद हम इसे डिश आउट करके निकाल लेंगे। इसी कढ़ाई में मैं यहाँ पे मक्खन ऐड कर रही हूँ, 2 खाने के चम्मच हम मक्खन डाल के गर्म करेंगे। 1 तेज़पत्ता हम इसमें डालेंगे, एक छोटा टुकड़ा हम दालचीनी का डालेंगे। ये आप देख सकती हैं 1 किलो चिकन के लिए मैं इसमें एक छोटा सा टुकड़ा डाल रही हूँ। क्लव्स यानी कि लौंगे हम इसमें डालेंगे 2 से 3 अदद। कार्डमम यानी कि हरी इलायची हम इसमें डालेंगे 2 से 3 अदद, ये बीच में से मैंने इसे तोड़ लिया है। प्याज हम इसमें शामिल करेंगे 2 अदद, बड़े साइज की प्याज हम इसमें शामिल करेंगे। इस तरह करके रफली आपने इसे स्लाइस कर लेना है और इसके बाद हम इसे कुक करेंगे। 2 से 3 मिनट ही हमने इसे कुक कर लेना है ताकि हल्का सा इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाए। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 अदद लहसुन के जवे,
टमाटर हम इसमें शामिल करेंगे 4 अदद, ये इस तरह करके मैंने रफली से स्लाइस कर लिया है। 4 अदद बड़े साइज़ के टमाटर मैं इसमें यूज़ करूँगी। अगर आपके मीडियम है या छोटे हैं तो आप 6 अदद भी इसमें शामिल कर सकती हैं। ये काजू है जिसे मैंने भिगो के रखा हुआ था, इसे हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। अगर आप चाहें तो आप 2 टेबल स्पून भी ऐड कर सकती हैं। अच्छे से हम फ्राई करेंगे और इसे ढककर हम तकरीबन 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। आधा ग्लास मैं यहाँ पे इसमें पानी शामिल कर रही हूँ और अब हम इसे ढककर तब तक पकाएंगे जब तक कि टमाटर और प्याज अच्छे से नरम ना हो जाए। ये आप देख सकते हैं टमाटर और प्याज अच्छे से नरम हो चुके हैं। अब जो साबुत गरम मसाला था वो हम इसमें से हटा देंगे और इसे अच्छे से ठंडा करके इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। अगर ग्राइंडर में ये ग्राइंड सही तरह से ना हो रहा हो तो आप थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड कर सकती हैं। गर्म पानी इसमें थोड़ा सा ऐड करके आप इसे ग्राइंड कर लें, पेस्ट बना लें। और जो पेस्ट है अब हम इसे छलनी में से छानेंगे। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट भी कढ़ाई में डाल सकती हैं, लेकिन ये है कि इससे एक स्मूथ सी ग्रेवी बनेगी। अगर हम इसे छान के शामिल करेंगे तो ग्रेवी बहुत स्मूथ बनेगी। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है, अब हम इसमें नमक डालेंगे हसबे जायका। मैं यहाँ पे तकरीबन इसमें 1.5 टीस्पून नमक शामिल करी हूँ। चीनी हम इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच, ये आप देख सकती हैं ज़्यादा भरा हुआ नहीं है चम्मच। थोड़ी सी हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, इसमें हमने सिंपल लाल मिर्च ऐड नहीं करना, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। 1 खाने का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च शामिल कर लेने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। ये देखिए चिकन हमारा अच्छे से ग्रिल हो गया है। इसके ऊपर ये आप देख सकती हैं कि तंदूरी जो हमारा चिकन जिस तरह के बनता है वैसे कि हमने तंदूरी चिकन बना लिया है। अब मैं इसे बीच में से कट करूँगी क्योंकि जो पीसेस थे वो बड़े बड़े वाले थे। चिकन को बीच में से हमने कट कर लिया है। यहाँ पे ग्रेवी हमारी कुक हो रही है, इसमें हम हरी मिर्चें शामिल करेंगे 2 से 3 अदद, बीच में से स्लाइस करके मैंने इसमें शामिल कर लिया है। अब हम इसमें अपनी चिकन कटी हुई शामिल करेंगे। चिकन के अपनी मर्जी के हिसाब से आप पीसीस कर सकती हैं। इसमें हम शामिल करेंगे और अच्छे से हम इसे कुक करेंगे। ढककर हम इसे 5 मिनट के लिए स्लो आंच पर पकाएंगे ताकि जो चिकन है उसमें इसका मसाला जो है वो भी थिक हो जाए और चिकन में अच्छे से इसके इसका फ्लेवर आ जाए। अब हम इसमें मक्खन ऐड करेंगे। मक्खन मैं इसमें 3 खाने के चम्मच भर के ऐड करी हूँ। ये नमक वाला मक्खन है इसलिए आप इसमें नमक थोड़ा सा हाथ रोक कर शामिल करेंगी। अच्छे से हम इसे 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे और इसके बाद हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे इसमें कुकिंग क्रीम ऐड कर रही हूँ लेकिन कुकिंग क्रीम हर जगह अवेलेबल नहीं होता, तो आप सिंपली फ्रेश क्रीम जो पैकेट में मिलता है टेट्रा पैक वाला आप वो इसमें डाल सकती हैं। आधा कप हम इसमें फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। गरम मसाला मैं यहाँ पे 1 खाने का चम्मच 1 चाय का चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। याद रखिए कि ये जो गरम मसाला है ये ताज़ा मेरा पिसा हुआ है, इससे बहुत ही डिलीशियस बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। तो आप कोशिश करें कि आप ताज़ा पिसा हुआ गरम मसाला होममेड ही यूज़ करें। ये कसूरी मेथी है जिसे हम हल्का सा क्रश करके इस तरह छानकर इसमें शामिल करेंगे। 2 छोटे चाय के चम्मच हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसे कुक कर लेना है और अगर आप चाहें तो आप इसी स्टेज पर इसे डिश आउट कर सकती हैं। या आप देख सकती हैं कि बटर चिकन हमारा तैयार है लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा मैं ऑयल लाने के लिए यानी कि जो इसका बटर होगा वो थोड़ा सा ऊपर लाने के लिए मैं इसे ढक के 5 मिनट के लिए कुक करूँगी लो आंच पर। और ये आप देख सकती हैं कि इसका जो मक्खन है वो ऊपर इस तरह करके आ गया है और ये हमारा डिलीशियस बटर चिकन तैयार है। बहुत ही रिच बहुत ही क्रीमी ये बनेगा, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। सर्विंग डिश में निकाल लेने के बाद आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसे इसकी गार्निश कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे थोड़ी सी फ्रेश क्रीम के साथ थोड़ी सी धनिया पत्ते के साथ और साथ ही इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने मक्खन डाला हुआ है इसके साथ मैंने इसे गार्निश कर लिया है।
उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।